वैशाख कृष्ण द्वितीया, आज एक परम पवित्र पर्व है, क्योंकि आज ही के दिन जिस पात्र के अलावा किसी भी कथा को पूर्ण नहीं किया जा सकता, चाहे भागवत हो, रामायण हो, महाभारत हो, या किसी भी प्रकार का ग्रंथ क्यों न हो, इनका जिक्र प्रत्येक ग्रंथों में होता है। जैसे हनुमान जी के विषय में कहा गया, चारों युग पर ताप तुम्हारा, वैसे इनका प्रताप भी चारों युगों में है। और मेरे लिए, हमारे लिए तो परम सौभाग्य की बात कि यह गंगा जैसी पवित्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा और ब्रह्मा से जिन्होंने दीक्षा ग्रहण करके इस पवित्र संप्रदाय को आगे चलाया, ऐसे वीणाधारी निरंतर अपने जिह्वा पर नारायण, राम और कृष्ण का नाम गाने वाले देवाधिदेव देवर्षि नारद मुनि का आज जन्मदिन है। श्री नारद मुनि की, भक्तों, आज नारद जयंती है। वैसे नारद जी का जन्म तो 3-4 बार हुआ, आज के दिन नारद जी का कौन सा जन्म, किस प्रकार के नारद जी का हैप्पी बर्थडे और नारद जयंती का क्या तात्पर्य? ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष और द्वितीया तिथि नारद मुनि का जन्म, नारद जयंती मनाई जाती है। लेकिन नारद मुनि के विषय में मैं कुछ कहूं, उसके पहले नारद जी को हम सब प्रणाम करेंगे। कृष्ण का प्रणाम जानते हैं, कृष्ण करुणा सिंधु, राधा रानी को प्रणाम करते हैं, तप्त कांचन गौरांगी, गणेश जी को गजाननम भूत गणाधि सेवितम, भगवान विष्णु को शशंक चक्र से किरीट कुंडलम, महादेव को कर्पूर गौरम करुणावतारम, देवी पार्वती या आदिशक्ति को या देवी सर्वभूतेशु। लेकिन कभी आपने सोचा नारद मुनि को प्रणाम कैसे करना चाहिए? नारद जी को यदि प्रणाम करना हो तो क्या बोलना चाहिए? वैसे ये जितने भी प्रणाम मंत्र है, ये भक्तों के द्वारा बनाए गए हैं। अब कृष्ण को प्रणाम करना, हे कृष्ण करुणा सिंधु, तो भक्तों के द्वारा इसकी रचना हुई ना कि भगवान को ऐसे प्रणाम करो, या तप्त कांचन गौरांगी भक्त के द्वारा निर्धारित किया गया ना। लेकिन मजे की बात यह है कि नारद मुनि का जो प्रणाम मंत्र है, ये भक्त के द्वारा नहीं, ये भगवान के द्वारा बनाया गया है। एक नहीं, दो नहीं, स्कंद पुराण में 22 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण श्री नारद मुनि को प्रणाम करते हैं। श्री नारद मुनि का प्रणाम मंत्र कहते हैं। सो उनमें से एक प्रणाम मंत्र मैं आप सब के बीच में प्रकट करूं। बहुत सुंदर प्रणाम करते हुए भगवान ने कहा, उत्संगात ब्रह्मणो जातो यस्याहंता नवीद्यते अगुप्त श्रुति चरित्रम अगुप्त श्रुति चरितम नारदम तम नमाम्यहम् नारदम तम नमाम्यहम्।
नारदम तम नमाम्यहम्। हे नारद जी, तम आपको नमामि अहम्, हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। कथम भूतम नारदम, कैसे हैं नारद, किस नारद को प्रणाम कर रहे हैं? तो कहते हैं उत्संगात ब्रह्मणो जातो। ब्रह्मणो माने ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा जी के गोद से प्रकट हुए हैं। उत्संगात माने प्रकट होना, ब्रह्मणो माने ब्रह्मा, तो उत्संगात ब्रह्मणो जातो। उत्संगात माने गोद, ब्रह्मणो माने ब्रह्मा, जातो माने जन्म लेना। तो जिनका जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ है, यस्य हंतान विद्यते, यस्य जिसमें अहंता, अहंता माने अहंकार, अहंता का अर्थ है अहंकार। यस्य अहंता, जिसमें अहंकार न विद्यते, जिसमें रत्ती भर भी, रंच मात्र भी अहंकार नहीं है। नारद जी बड़े बड़े कार्य कर्म किए, कभी कभी जो कार्य भगवान नहीं कर सकते वैसे कार्य श्री नारद मुनि करते हैं, लेकिन यस्य अहंकार न विद्यते, अहमता न विद्यते। और फिर आगे दूसरी लाइन में कहते हैं अगुप्त श्रुतिम। श्रुति माने शास्त्र, गुप्त माने रहस्य, माने जिसके बारे में पता न हो, लेकिन अगुप्त माने प्रकट रूप से, माने समस्त शास्त्र श्रुतियों का ज्ञान जिनको पूर्ण रूप से ज्ञात है, माने सर्वज्ञ है। सो अगुप्त श्रुति, जो परम सर्वज्ञ है, ऐसा चरित्र है जिसका, तम नारदम, उस नारद मुनि को नमाम्यहम्, मैं नमस्कार करता हूं। सो ऐसे श्री नारद मुनि का आज प्राकट्य दिन है। नारद मुनि के विषय में शौनक जी कहते हैं लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च। नारद और कोई नहीं, नारद लोक विग्रह है। लोक विग्रह समझते हैं, नारद का विग्रह अपने लिए नहीं, लोगों के लिए है। नारद का जीवन अपने लिए नहीं, लोगों के लिए है। इस दुनिया में कितना भी पापी तापी जीव नारद के शरण में आया, या नारद की दृष्टि में कोई दुखी पापी तापी जीव आ गया, तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। हृदय में करुणा होती है और नारद उनका उद्धार करते हैं। महर्षि गालव एक दिन नदी में स्नान करके सूर्य देवता को अंजलि दे रहे थे, और उसी समय आकाश में से चित्ररथ नाम का गंधर्व अपने विमान में बैठकर जा रहा था। और चित्ररथ उस समय भारत में वो पान मिलता है ना, भोजन के बाद थोड़ा सा पान चबा रहा था, तो चबाते हुए चित्ररथ गंधर्व ऊपर से जा रहा था और ऊपर से उसने थूक दिया। तो महर्षि गालो वैसे हाथ में अंजलि जल दे रहे थे, तो उनके मुख से जो निकला महर्षि गालो के हाथ में आकर गिरा और गालो का दिमाग गया। बोले ऐसी हिम्मत, साधु के हाथ में थूकता है, मैं श्राप देता हूं कि ये आज के दिन संध्या के पहले इसकी मृत्यु हो जाए। जब इस प्रकार से श्राप मिला, और उस समय वे भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में थे, तो साधु ने सोचा कि अब मुझे इसे श्राप देकर मारने की क्या जरूरत, मैं कृष्ण को ही कहता हूं।
वे कृष्ण के पास गए। कृष्ण कहा, आपको श्राप राप देने की जरूरत नहीं, मैं उसे मार दूंगा। दूसरी ओर नारद मुनि ने देखा कि बेचारा चित्ररथ गंधर्व फंसा हुआ है और उसे मारने के लिए महर्षि गालव और भगवान कृष्ण तक तैयार हो गए हैं। तब नारद मुनि चित्ररथ गंधर्व को मिलते हैं कि भाई तुझे अफसोस हो रहा है? बोले बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे आप बचा लीजिए। बोले आज के बाद ऐसी गलती नहीं करेगा? बोले कभी नहीं करूंगा। बोले कोई बात नहीं, तो यहां खड़ा रहे, अभी मैं तेरा काम बना दूंगा। नारद मुनि गए सीधे हस्तिनापुर द्रौपदी के कमरे में। द्रौपदी ने प्रणाम किया। नारद जी ने कहा कि द्रौपदी क्या कर रही हो? आज बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन कोई यमुना में स्नान करके किसी को अभय दान देता है तो उसकी सारी इच्छा पूर्ण होती है। तुरंत द्रौपदी यमुना में स्नान की, बाहर जाकर अभय दान देने के लिए सोच ही रही थी, तब तक चित्ररथ गंधर्व खड़ा था। बोले माँ मुझे अभय दान दीजिए। द्रौपदी ने कहा कि मैं तुझे अभय दान देते हूँ, तुझे कोई नहीं मार पाएगा। तब तक भगवान श्री कृष्ण आए उसे मारने के लिए। और यहां द्रौपदी ने अर्जुन को बुलाया, पतिदेव मैंने इसे अभय दान दिया है, आपको इसकी रक्षा करनी है। कृष्ण ने कहा आप सब साइड में हो जाओ, मुझे उसको मारना है। अर्जुन ने कहा कि मेरी पत्नी का प्रण है, मैं मरने नहीं दूंगा। कृष्ण ने कहा मैं मार दूंगा। उस चित्ररथ गंधर्व के कारण कृष्ण और अर्जुन के बीच में घमासान युद्ध हुआ। और जब बहुत युद्ध हुआ तब देवाधिदेव महादेव नीचे आए और शिव जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु आपकी जीत आपके भक्तों से हारने में है, आप छोड़ दीजिए इसे, ताकि आपके भक्त विजय तो आप ही का नाम बढ़ेगा। शिव जी का मान रखा, कृष्ण ने छोड़ दिया। महर्षि गालव को और क्रोध आ गया, बोले ये लोग तो आपस में सुलटा लिए, मेरा तो कुछ नहीं हुआ यार। तब महर्षि गालव हाथ में जल लेकर श्राप देने जा रहे थे, तब द्रौपदी ने कहा कि यदि मैं पतिव्रता नारी हूं तो गालव के हाथ से जल गिरे ही नहीं। ऐसे ऐसे करते रह गए लेकिन जल नहीं गिरा। कुल मिलाकर लोक विग्रह मुक्तस्य नारद मुनि सब के लिए हैं, पापी तापी संसार में फंसे हुए जीवों का कल्याण नारद मुनि करते हैं। नारद मुनि के विषय में भक्ति देवी ने कहा, जयति जयति देवो यस्य काया दुवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलप्यम। धन्य हो नारद तुम धन्य हो, ध्रुव पदम अपि या तो यत कृपा तो ध्रुवोयम अयम ध्रुवो यत कृपा तो, ये 5 साल का ध्रुव आपकी कृपा से ध्रुव पदम याति ध्रुव पद को पा गया। आपकी कृपा से 5 साल का बालक ध्रुव पद को पा गया। और ध्रुव तो आपको मिला था, प्रहलाद तो अपनी माँ कयाधु के गर्भ में था, लेकिन आपने कयाधु को क्या ज्ञान दे दिया जिससे माँ कयाधु के गर्भ में रहे हुए बालक प्रहलाद शुद्ध भक्त बन गया। नारद मुनि की एक बात बहुत सुंदर, श्रीमद् भागवत महात्म्य में नारद मुनि का एक संकल्प है, नारद जी की प्रतिज्ञा है। नारद जी कहते हैं, कलिना सदृशम कोपी युगो नास्ति वरानने। ए भक्ति महारानी, भक्ति देवी, कलयुग जैसा युग इस संसार में कोई नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना कलयुग बहुत खराब है, नहीं, यदि पॉजिटिव थिंकिंग हो, सकारात्मक सोच हो, तो कलयुग युग सम आन नहीं, कलयुग जैसा युग नहीं। तो नारद जी कहते हैं, कलिना सिद्रशम को अपि युगो न अस्ति। हे भक्ति देवी, कलयुग जैसा युग और कोई नहीं है। और मैं आज संकल्प करता हूं, तस्मिन् स्त्वाम, हे भक्ति महारानी,
इस कलयुग में आपको स्थाप इष्यामि, मैं स्थापित करूंगा। गेहे गेहे जने जने है, नारद जी की यह प्रतिज्ञा है कि मैं कलयुग में प्रत्येक घर में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भक्ति महारानी को स्थापित कर दूंगा। और इतना ही नहीं, अन्य धर्मस्ति तिरस्कृत्य और अन्य जो व्यर्थ के धर्म है उसका तिरस्कार करके पुरस्कृत्य महोत्सवान, ये भक्ति महारानी मैं सनातन धर्म का पुरस्कृत्य करूंगा, लोगों के जीवन में आनंद प्रदान करूंगा। तदा नाहम, और यदि ऐसा नहीं कर पाया, इस कलयुग में गेह गेह और देह देह में भक्ति को स्थापित नहीं कर पाया, अधर्म का खात्मा और धर्म की स्थापना नहीं कर पाया, तो तदा नाहम हरे दासो, तो मैं भी हरि का दास नहीं माना जाऊंगा। तो मैं हरि का दास नहीं यदि ऐसा न कर पाऊं। लोके त्वाम न प्रत्यये। से इस प्रकार से नारद मुनि, क्योंकि आज इनका जन्मदिन है, प्राकट्य दिन है, इसलिए नारद मुनि के विषय में दो बातें मैं आपके बीच में, नारद मुनि के विषय में सनत कुमार एक बार नारद मुनि को मिले तो कहते हैं कि हे नारद जी, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतः चिंता तुरो भवान, आप इतने दुखी क्यों हो? हमने तो सुना है हरि भक्त कभी दुखी नहीं होते, कृष्ण दास बिंदास मायादास उदास। तब उन सनकादिकों को पता चला नारद जी को अपनी कोई चिंता नहीं है, नारद मुनि को भक्तों का भय है। भक्ति महारानी दुखी है, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो चुके हैं, अन्य के लिए चिंता कर रहे थे और उनकी चिंता को दूर करने हेतु श्री नारद मुनि ने भागवत कथा का आयोजन किया और सनत कुमार को वक्ता बनाया। श्री वेदव्यास मुनि 17 पुराण लिख कर बैठे तद अपि संतुष्ट नहीं थे और वे स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि मेरी इन रचना में क्या कमी है, आखिर इनमें क्या घट रहा है। तो उसी समय श्री नारद मुनि वहां पर आते हैं और वेदव्यास मुनि को ज्ञान प्रदान करते हैं। नारद जी कहते हैं कि महाराज, आपने बहुत कुछ लिखा, लेकिन जो वास्तव में लिखना चाहिए वो तो लिखा नहीं। नयद वचस चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगृणित कर ही चित, त्रिभुवन को पवित्र करने वाली भगवान श्री कृष्ण की लीला जब तक आपके ग्रंथों में नहीं लिखी जाएगी तब तक न तो आपका कल्याण हो सकता है न मानव जाति का कल्याण हो सकता है। नो डाउट आपने आत्म तत्व के विषय में बहुत कुछ लिखा, देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ लिखा, लेकिन हरि का यश जब तक नहीं गाया जाएगा, भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला कथा को जब तक नहीं गाया जाएगा तब तक, अरे जिस ग्रंथ में कितनी भी सुंदर रचना हो, सुंदर अलंकार हो, सुंदर छंद हो, सुंदर वाणी हो, व्याकरण की दृष्टि से सुंदर हो, लेकिन नयद वचस चित्र पदम हरेर यशो, लेकिन उसमें हरि का यश न हो तो तद वायसम तीर्थ, बड़े बड़े महात्मा उसे कौवे का तीर्थ मानते हैं। नयत्र हंसा निर्मंत्यु शिक्षया, वहां परम हंस अवगाहन नहीं करते। कितनी भी बड़े तत्व की बात हो लेकिन हरि का यश नहीं, कृष्ण कथा नहीं, तो वह कौवे का तीर्थ। कौवे का तीर्थ समझते ना, भारत में रोज सुबह कौवे कां 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 करते हैं, कहां पर? कूड़े कचरे पर। यह कूड़ा कचरा कौवे का तीर्थ माना गया है। तो कितनी भी सुंदर रचना हो लेकिन कृष्ण कथा ना हो तो वह कौवे का तीर्थ है।
लेकिन दूसरी ओर तदवाग्वी सर को जनता अघ विप्लवो, हमारे समस्त पाप को जलाकर भस्म करने वाली, कृष्ण को प्रसन्न करने वाली कृष्ण की कथा जिस रचना में है, जिस वक्तव्य में, जिस ग्रंथ में है, फिर भले उस ग्रंथ में व्याकरण की कमी है, छंद अलंकार की कमी है, लेकिन कृष्ण कथा है तो शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। तो बड़े बड़े साधु उस कथा को सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं, क्योंकि नामानि अनंतस्य यशोंकितानि च, क्योंकि उसमें भगवान के नाम है, कृष्ण के गीत है। सो नारद मुनि ने श्री वेदव्यास मुनि को बहुत सुंदर, और इसी श्रृंखला में आज जो पवित्र तिथि है ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष द्वितीया, आज के दिन का जिक्र नारद मुनि ने किया है। श्री नारद मुनि ने कहा कि महाराज, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे, यदि कोई व्यक्ति अपने स्वधर्म को छोड़कर कितना भी माथा मारे, अपनी लोकल भाषा में सिर नीचे पांव ऊपर ये वो आगे पीछे कितना भी, लेकिन अपना स्वधर्म त्याग दे तो वो कभी न सुखी हो सकता है न वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसलिए कृष्ण की कथा, मैं ज्यादा तो क्या कहूं, मैं मेरे विषय में आपको कहूं महाराज, मेरा प्रथम जन्म ब्रह्मा के गोद से हुआ और मेरे पिता ने कहा कि आप विवाह करो, प्रजा की उत्पत्ति करो, मैंने मना कर दिया, तो मेरे पिताजी ब्रह्मा क्रोधित हो गए, मुझे श्राप दे दिया, तब मेरा दूसरा जन्म उपबरहण नाम का देवता बना और चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्या के साथ मैंने विवाह किया। मुझे अभी पता चला कि वो चित्ररथ गंधर्व जो थूका था ना, वो नारद जी का ससुर था, मतलब पूर्व जन्म में, ससुर जी को तो बचाना ही चाहिए ना क्योंकि पूर्व जन्म में उस चित्ररथ गंधर्व की 50 कन्या के साथ विवाह किया था। नारद जी का दूसरा जन्म उपबरहण नाम के देवता के रूप में हुआ, लेकिन फिर एक दिन पुष्कर, ब्रह्मा के उस पवित्र तीर्थ पुष्कर में जाकर उस गंधर्व उपबरहण के द्वारा अपराध हुआ, तब पुनः ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया, तब नारद जी का तीसरा जन्म हुआ। द्रुमिल गोप पिता का नाम, माता का नाम कलावती, और इनका नाम हुआ रामदास। और रामदास अब जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई, विधवा माँ के साथ रहते थे, लोगों के घर पर काम करना, सेवा करना, जीवन निर्वाह होता था। ये सारी कथा नारद मुनि वेदव्यास मुनि को सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में है। फिर एक दिन चतुर्मास का समय आया, साधु संतों की सेवा करने का अवसर मेरी माता को मिला। मेरी माँ उनके लिए भोजन पकाती थी और मैं साधुओं की मंडली में बैठता था, और वे साधु क्या करते थे, तुष्यंती च रमंती च कथा गानम, कथा गाते थे, और उन साधुओं के मुख से मैं कृष्ण कथा सुनता था, बस और क्या होना था। उन साधुओं के मुख से भगवत कथा, कृष्ण कथा सुनते सुनते, और फिर वे साधु भोजन कर लेते थे तो भोजन के बाद बचा हुआ वो उच्चिष्ट महाप्रसाद मुझे अर्पण करते थे। तो दो चीज, साधुओं के मुख से निकली हुई कथा और उच्चिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजे, उन साधुओं के मुख से निकला हुआ उच्चिष्ट अन्न मैं खाता गया और मेरी मति, मेरी रति, मेरी गति पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में लग गई, मैं कृष्ण का भक्त बन गया, मुझे कृष्ण भक्ति में आनंद आने लगा।
और फिर से मेरे जीवन में एक घटना घटी, एक जहरीला सर्प मेरी माता को डंक दिया, माँ की मृत्यु हो गई, जीवन में बहुत दुख हुआ, मेरा कोई नहीं था, माता के विरह में रो रहा था, ईश्वर को याद कर रहा था, और उस समय मुझे ईश्वर ने दर्शन दिया, और भगवान का दर्शन करके मैं तो चमत्कारिक हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद भगवान ओझल हो गए, मैं भगवान को खोजने लगा, तब भगवान ने कहा कि नारद भजन करो, भजन करके तुम्हें इस स्वरूप का दर्शन पुनः होगा। मैंने उस तीसरे जन्म में बहुत भजन किया, और भजन करने के बाद मेरा शरीर छूटा, तब मेरा चौथा जन्म हुआ। नारद मुनि का चौथा जन्म आज के दिन हुआ। चार जन्म हुए ना, पहला जन्म ब्रह्मा के गोद से, दूसरा जन्म उपबरहण गंधर्व, तीसरा जन्म द्रुमिल गोप के वहां रामदास, चौथा जन्म कहते हैं कि मेरा चौथा जन्म ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष और द्वितीया के दिन हुआ। ये नारद मुनि व्यास मुनि को भागवत के प्रथम स्कंद में कहते हैं। और अब मेरा जब चौथा जन्म हुआ तो मैं नारद के रूप में प्रकट हुआ। मेरी भक्ति से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, और भगवान ने मुझे एक वीणा प्रदान की, आशीर्वाद दिया, तुम्हें जो चाहिए वह मांगो। तब नारद मुनि ने यही कहा कि प्रभु, इस वीणा को लेकर मैं निरंतर आपके गुणगान गाता रहूं, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि नारद जी भगवान श्री कृष्ण के मनो अवतार हो गए। कृष्ण का मन यदि कोई अवतार धारण करे तो वह नारद मुनि है। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण के मन में जो विचार उठते हैं वो तुरंत नारद जी पूर्ण कर देते हैं। कृष्ण के मनो अवतार। श्रीमद् भागवत जी में भगवान के मन में क्या चल रहा है, भगवान के मन की इच्छा को जानने वाले केवल 12 लोग हुए, जिसको 12 महाजन कहते हैं। उन 12 महाजनों में दूसरा स्थान श्री नारद मुनि का है। स्वयंभू नारद, शंभु, कुमार, कपिल, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, वैयासकी और यमराज, लेकिन दूसरा स्थान 12 महाजनों में श्री नारद मुनि का है। प्रारंभ में जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी चारों युग परताप तुम्हारा, हनुमान जी का प्रताप चारों युग में है, वैसे नारद जी का प्रताप भी चारों युग में। सतयुग में हिरण्यकशिपु के समय, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के समय नारद मुनि थे। आप जानते ना, नारद जी कहते हैं कि जब वो मेरे सामने आता तो मैं भी हिरण्यकशिपु महाराज की जय, उनकी जय जयकार करता। फिर त्रेता युग में राम अवतार के कारण में नारद ही एक कारण बन गया। राम जी को धरती पर प्रकटाने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ श्री नारद मुनि थे। नारद के श्राप वरदान इच्छा को पूर्ण करने हेतु राम जी को आना पड़ा। द्वापर युग में तो नारद ही नारद है, फिर चाहे कंस के कान भरने हो। कृष्ण जन्म की जब प्रथम बधाई हो रही थी, जन्मे हैं कृष्ण कनाई, गोकुल में आज बाजे बधाई, गोकुल में जब बधाई हो रही थी तो प्रथम बधाई श्री नारद मुनि ने प्रदान की, ऐसा ब्रजवासी कहते हैं। श्रीमती राधा रानी का जब जन्म हुआ तब राधा जन्म की प्रथम बधाई भी श्री नारद मुनि ने प्रदान की। और द्वारिका में तो भागवत जी में लिखा ही है कि द्वारिका में तो नारद जी आते ही रहते हैं। द्वारवत्याम कुरुद्वह आवासित नारदो अभीक्षणम, अभीक्षण माने बार बार नारद मुनि द्वारिका में आते जाते रहते हैं। क्यों? कृष्ण दर्शन लालसा,
कृष्ण के दर्शन की लालसा से नारद मुनि द्वारिका जाते हैं। नारद जी की महिमा, तो सतयुग में नारद, त्रेता में नारद, द्वापर में, कलयुग में भी नारद है। कैसे? कलयुग में नारद मुनि श्रीवास पंडित बनकर प्रकट हुए और नवदीप मायापुर धाम में श्रीवास आंगन में श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ कराया, संकीर्तन रस का आनंद लिया और समाज को प्रदान किया। और इस कलयुग में नारद मुनि आज भी हैं उनके परंपरा के द्वारा, क्योंकि नारद के शिष्य व्यास, वेदव्यास, वेदव्यास के मध्व और मध्व के फिर परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप सनातन और फिर जगत गुरु शिल प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्य प्रशिष्य, वह नारद मुनि का करंट ही आज हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में आया है। सही, इस प्रकार से नारद जी के वैसे बहुत सारे शिष्य हैं, लेकिन चार शिष्य प्रसिद्ध है, दो बच्चे और दो बूढ़े। दो बच्चे ध्रुव और प्रहलाद और दो बूढ़े व्यास और वाल्मीकि। तोड़ दे ऐसे, चार बनाए लेकिन व्यास और, मुझे बताइए, व्यास और वाल्मीकि के अलावा शास्त्रों में है क्या? व्यास वाल्मीकि को छोड़कर वो ये दोनों नारद के शिष्य। व्यास जी का आपने सुना, वाल्मीकि की कथा तो आप जानते ना, रत्नाकर डाकू थे, फिर नारद मुनि मिले, राम नाम मंत्र दिया, वाल्मीकि ऋषि बन गए। तो व्यास वाल्मीकि और जगत जननी अन्नपूर्णा माता पार्वती के भी गुरु श्री नारद मुनि है। सत्यभामा कृष्ण की पत्नी पटरानी, सत्यभामा के गुरु नारद मुनि। नारद जी भगवान श्री कृष्ण की सभी लीला में, ब्रज लीला में भी नारद, मथुरा लीला में भी नारद जी, द्वारिका लीला में भी नारद, राम लीला में भी नारद जी है, रास लीला में भी नारद जी है। हमारे हमारे गिरिराज गोवर्धन की तलेटी में एक नारद कुंड है, वृंदावन में नारद कुंड है। जब रास लीला में भाग लेना था तो कहा कि यहां गोपी बनकर ही प्रकट रासलीला में प्रवेश कर सकते हो, तो वह गोपी भाव कैसे आए? तो नारद कुंड में स्नान करने से गोपी भाव प्रकट हुआ और रासलीला में प्रवेश मिला। कुल मिलाकर मैं आपको इतना कहना चाहता हूं कि नारद जी सभी लीला में है। हम जिस प्रकार की साधना करते हैं, हमारा जो मूड है, हमारा जो भाव है, नारद मुनि हमें उस लीला में फिट कर देते हैं। यदि हम माधुर्य में हैं तो नारद जी माधुर्य में फिट कर देते हैं। साख्य दास्य वात्सल्य, नारद जी हमारे रस भाव मूड के अनुसार हमें फिट कर देते हैं। और नारद मुनि की प्रचार की शैली तो तब पता चलती है जब दक्ष प्रजापति के 10,000 शिष्यों को 10 मिनट में डिवोटी बना दिया। डिवोटी क्या? सन्यासी बना दिया। से इस प्रकार से ठाकुर भक्ति विनोद ने लिखा है, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नाम है। निरंतर राधिका रमण नाम लेते हुए नारद मुनि विचरण करते रहते हैं। सो ऐसे नारद मुनि का आज चौथा जन्म, आज प्राकट्य दिन है, आज नारद जयंती है। सो नारद जयंती की आप सबको शुभकामना। नारद मुनि हम सब पर कृपा करें, हम सब पर करुणा करें, और जैसे उन्होंने श्री व्यास, वाल्मीकि, ध्रुव और प्रहलाद को अपनी कृपा प्रदान की, वैसे हम पर भी परंपरा के माध्यम से कृपा प्रदान करें। भगवत भजन, भक्ति, सेवा और प्रेम में हम सब लगे, ऐसी कामना।